नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न वाई सेवा में। दोस्तों आज मैंने मंगाया है अपने सोनी 6400 नंबर के लिए अमेजोन से एक केज मंगाया है, तो आज हम इस केज की अनबॉक्सिंग और इसका फर्स्ट लुक देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसके ऊपर एक फॉर्म वाली सीट लगी हुई है जो कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये इसका बिल है amazon.in की तरफ से, इसका बेसिकली एक मैनुअल कार्ड है जिसको यूज करने के लिए बताया गया इसमें। और ये है दोस्तों इसका हैंडल, ये कंपनी का नाम है फिल्म सिटी जिसकी तरफ से ये आता है, काफी अच्छा मेटल का हैंडल है। ये है दोस्तों हमारा मेन यूनिट जो कि मैंने इसको अपने A6400 के लिए मंगाया है सोनी अल्फा, तो काफी अच्छी क्वालिटी का ये हैंडल है, आप इसको देख सकते हैं मेटल का हैंडल है पूरा और बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है इसकी। इसके साथ आते हैं ये दो स्क्रू जो कि शायद इसको हमारे हैंडल को लगाने के लिए दिए गए हैं, चलिए इसको साइड में रख देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा केज जिसको हम रिग भी बोलते हैं, सोनी A6400 के लिए मैंने इसको परचेज किया है, काफ़ी अच्छा हैंडल है ये। इसको मेरा परचेज करने का केवल एक ही रीज़न है जो कि इसका ये फोल्ड शू माउंट है, इस पर मुझे माइक अटैच करना है और एक माउंट इस पर हैंडल पे भी आता है जिसपे मैं LED अपनी अटैच करूँगा। नाइट वीडियो शूट करने के लिए मुझे इस पर LED लगानी पड़ेगी, तो बेसिकली इस पर LED लगा के इधर साइड माइक लगा के मैं इसे शूट करने के लिए ही मैंने परचेज किया है। चलिए अब हम इसको सबसे पहले अपने कैमरे को इसके ऊपर माउंट कर लेते हैं। इसको स्क्रू को थोड़ा सा खोलना पड़ेगा हमें, तभी हम इसको माउंट कर सकते हैं। हाइड कर लेते हैं स्क्रू को, जिससे कि हमारा जो कैमरा है वो इस पर अच्छी तरह से माउंट हो जाएगा। दोस्तों देखिए इस पर माउंट हो चुका है मेरा कैमरा, काफी अच्छा लुक लग रहा है उसको, इसका इसको केज के ऊपर लगाने के बाद ये और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है कैमरा। अब हम इसका हैंडल जो है इसके ऊपर अटैच करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब मैंने इसको अपने रिग के ऊपर माउंट कर लिया है। इसका यूज हम बेसिकली लो एंगल शॉट और टॉप एंगल शॉट लेने में करेंगे। हम अपने कैमरे को चालू करते हैं।
एक रिकॉर्डिंग करके देख लेते हैं उसको, एक वीडियो बना के। ये देखिए इसको हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, इसका हैंडल पकड़ के, और अगर हम इसको चाहें तो ट्राइपॉड पे भी माउंट कर सकते हैं। इसका जो बेस प्लेट है वो ट्राइपॉड के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है, जिससे हम इसको ट्राइपॉड पे माउंट कर सकते हैं डायरेक्ट। तो ये है हमारा केज जो कि A6400 के लिए मैंने ऑर्डर किया है। इस पे मॉडल नंबर इसका लिखा हुआ है दोस्तों A6500, लेकिन मैंने इसको अपने A6400 के लिए मंगाया है और ये उस पे एकदम परफेक्टली फिट हो चुका है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं पर भी। इधर साइड दोस्तों हम ये जो सॉकेट दिया है, इधर हम अपनी HDMI केबल या चार्जिंग केबल USB केबल को माउंट करके इधर से ले जा सकते हैं, जिससे कि वो हिलेगी डुलेगी नहीं। तो काफ़ी अच्छा केज लगा मुझे ये दोस्तों, आप लोग वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा। अभी आने वाले जो वीडियोस होंगे वो इसी से शूट होंगे, मैंने इसको अपने वेडिंग वीडियो शूट करने के लिए मंगाया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और दोस्तों अगर आपको ये परचेस करना है, आप अपने कैमरे के लिए 6400 के लिए ऐसा कोई फ्रेम ढूंढ रहे हैं और आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। मैं इसको आपको इसका लिंक जो है ना वो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप मेरे लिंक से अगर परचेस करेंगे तो उससे मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।